नमस्कार, स्वागत है आप सबका पंजाब केसरी डॉट कॉम में। आइए नजर डालते हैं सुबह की पांच बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का सम्मन, 3 नवंबर को हो सकती है पूछताछ। ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि ईडी को सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साहिबगंज स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान एक लिफाफा मिला था। बताया जा रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री के बैंक खातों से जुड़ा एक चेकबुक मिला है। 2 चेकबुक में मुख्यमंत्री के साइन होने की बात कही जा रही है। हिंदुओं को मिलेगा अल्पसंख्यक का दर्जा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, कहा ये एक संवेदनशील मामला है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांगों पर विचार विमर्श पूरा करने के लिए समय मांगा है, जहां उनकी संख्या दूसरों से काफी कम हो गई है। केंद्र ने कहा है कि ये मामला काफी संवेदनशील है और इसके बहुत प्रभाव हो सकते हैं। अधिवक्ता अश्विन कुमार उपाध्याय और अन्य की याचिकाओं के जवाब में सोमवार को दायर अपने 4th हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि उसे इस मुद्दे पर अब तक 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से टिप्पणियां मिली है। याचिकाकर्ताओं ने परामर्श प्रक्रिया की कानूनी पवित्रता पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इस मामले में फैसले के बाद केंद्र किसी को भी अल्पसंख्यक रूप में अधिसूचित नहीं कर सकता है। दिल्ली एनसीआर पर छाई हुई है प्रदूषण की परत, नोएडा में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की परत छाई हुई है, इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में खासकर दमा और सांस की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। सुबह के समय सैर से बचने की भी सलाह दी जा रही है। इससे निपटने के लिए ग्रैप का 3रा चरण भी लागू हो चुका है। वह सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के अनुसार दिल्ली में बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 350 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बगावत की आग, बिलासपुर में जेपी नड्डा के करीबी हुए बागी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बागियों से जूझती नजर आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गृह जिले यानी बिलासपुर में हालात सामान्य नहीं है। खबर है कि उनकी कोशिशों के बाद भी कई बागी शांत होने के लिए तैयार नहीं है। खास बात यह है कि टिकट नहीं मिलने पर मैदान पर उतारे गए कई नेताओं में कई लोग नड्डा के खास बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बताया राज्य में 12 नवंबर को मतदान होने हैं। बिलासपुर जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, फिलहाल 3 में भाजपा है और 1 सीट पर कांग्रेस। नॉर्थ कोरिया ने दागी 10 मिसाइलें, दक्षिण कोरिया ने जारी किया हवाई हमले का अलर्ट। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास की आलोचना के बाद उत्तर कोरिया ने बुधवार को एक एक कर 10 मिसाइलें दागी हैं। इनमें से 1 मिसाइल दक्षिण कोरिया के पास गिरी है। मिसाइल दागे जाने के बाद दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया ने अपने पूर्वी द्वीप पर हवाई हमले का अलर्ट भी जारी किया है। बता दें कि इसमें पहले उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास की आलोचना की थी। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।